चारू खौकरूप का काम सही किया इसने। ये याद रखना कि ये वाच मैंने ले हम मारते हैं और उसके पाँव नहीं है वो चलते है। मैं नहीं मारता ठीक है मैं जीत आप देख रहे हैं राजा अदील ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बहुत शुक्रिया आप तमाम देखने वालों का। और मैं हूँ आपके साथ राजा अदील और मेरे साथ है राजा मोहम्मद हुसैन साहब। आपने आपका सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। हमारे दोनों के जो पहले दो व्लॉग हैं उनके ऊपर आपने बड़ा ही जबरदस्त रिस्पॉन्स किया है। आप लोगों ने हमें पसंद किया, हमारी बातों को पसंद किया और स्टाइलिश जो मोहम्मद हुसैन साहब की जो बोलने का अंदाज था उसको आप लोगों ने पसंद किया। आप सबका बहुत शुक्रिया। ईद गुजर चुकी है, आज है ईद का पांचवा दिन और मजे मजे के हमने इंजॉय भी किया है। मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ लोगों के घरों में जाकर हमने खाने भी खाए अजीजों कारिब के घर और पूरे गांव की सैर भी की है। फिर उसके बाद नैन साहब के नाना बू के घर हम गए। नैन आपके नाना बू के घर गए। नैन क्यों कह रहे हैं? मोहम्मद हुसैन है, नैना ही है ना मेरी। तो नैना के अबू के घर हम गए और दो दिन ये वहां इन्होंने स्टे किया लेकिन मैं आ गया था वापस। और फिर उसके बाद जब मैं इनको लेने के लिए गया दूसरे दिन बारिश लगी हुई थी, भरपूर बारिश थी। और जब घर वापस आए सैन भरा पड़ा था, मतलब कि पत्ते ही पत्ते और तो फिर नैन साहब ने कल व्लॉग में आपको बता दिया था कि चारू खौकरूप का काम सही किया इसने, तो बड़ा जबरदस्त सफाई करता है और घर बड़ा चमका दिया वैसे और तंग बहुत करता है। तो बाकी बातें आप करें जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा मैं बाबा से बहुत सारी पहेलियां पूछूंगा। सलाम तो करो ना यार। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपके साथ राजा मोहम्मद हुसैन और मैं राजा अदील ऑफिशियल से व्लॉग बना रहा हूं और मैं बाबा से कुछ पहेलियां पहेलियों के जवाब पूछूंगा। वो बाबा ने अगर सही दे दिए जितने होंगे, अगर बाबा ने चार तक सही दे दिए या फिर पांच तक सही दे दिए तो बाबा इस पहेली को पार कर देंगे, फिर अगली पहेलियां पूछेंगे। नहीं एक बात तो भाई इसका कोई इनाम भी मिलेगा या सिर्फ बस पहेलियां भिजवाते रहोगे? पहेलियां इनाम नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, बस मैंने ये वॉच ले लेनी है। ठीक है ये याद रखना की ये वॉच मैंने लेनी है। ठीक है ये देख ले, बड़ी जबरदस्त वॉच है, देता नहीं है। अच्छा जी शुरू करते हैं। अच्छा पहले देखते हैं जी पहली पहली क्या भिजवाएगा हमें, शुरू करेगी। कौन सा ऐसा जानवर है जिसको हम मारते हैं और उसके पाँव नहीं है वो चलता है? पाँव नहीं है चलता और हम उसको मारते भी हैं, वो मेरा दुश्मन तो नहीं है कोई चीज? दुश्मन है। मुझे पता था ना, मैंने बताना था, मेरी बात सुने, मैंने बताना था लेकिन इसने मुझसे पहले बता दिया और चीटिंग इसने की है। मैं नहीं बोलता जीत क्यों, ये पहली मैं जीत क्यों, एक मैं जीत गया हूँ, बात मेरी तरफ आ रही है। चले नेक्स्ट। अच्छा वो कौन सा ऐसा जानवर है? ओ वो परिंदा है जिसके साथ पार पाँव है। नहीं होगा इसमें भाई, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात होगी। लोग देख रहे हैं हमें, दुनिया देख रहे हैं, हम यहाँ बैठ के पैंपे करें, शर्म आनी चाहिए आपको। अच्छा परिंदा जिसके सर पे पाँव है, आपको पता है ना, आप लोगों ने कमेंट में जरूर लिखा। बोले हरी परिंदे है जिसके सर पर पाँव है, सारी परिंदे है जिसके सर है पर पाँव है। मैं वही बता रहा था ना, वही बता रहा सर पर भी है, पाँव भी है, सारे परिंदे हैं, सारे परिंदे हैं। मैं जीत गया, ये नहीं जीते, ये नहीं जीते, ये बिल्कुल भी नहीं जीते। ये मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट आपने एंजॉय करना है इसको थोड़ा सा मेंटली तौर पे। ना गए अच्छा इंटेलिजेंट है यार, समझने की कोशिश करें जी नेक्स्ट। अच्छा वो कौन सा ऐसा जानवर है जो सेरा में चलते हैं और उसके वो अपनी कुहान में चर्बी जमा कर लेते हैं? ये मेरे ख्याल से बात उसकी कर रहा है कैमल की। और इसको बिल्कुल पता नहीं है कि मैं तो अब्बा हूँ ना भाई, बाप हूँ, बाप को तो सब कुछ पता होता है। तेज मैंने तीनों में जीत चुका हूँ, आखिरी वॉच मेरी है। तीनों नहीं जीते। अच्छा नेक्स्ट, दो जीते हैं बस। नेक्स्ट है ये, अच्छा वो कौन सा ऐसा समुंदर है जिसमें चक्की घूम, वो कौन से जमाने का है जिसमें पत्थर की चक्की घूमती रहती है, कौन है उसमें नमक का पानी? इसको खुद ही नहीं पता, ये पता है दरिया सिंध की बात कर रहा होगा। ये भी मैं जीत चुका हूँ, तीन जीत गया। वाइज तो मेरी पक्की है,
क्योंकि अगर 5 में से 2 हार भी जाए, 3 जीतने वाला जीत जाता है। चले नेक्स्ट, ये वॉच उतार के मैं यहाँ पर रख दूँ। चले यहाँ पे रखे, चले जी अगला, नेक्स्ट 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 आपकी ही नहीं है, चले जिसकी भी अभी मेरी नहीं है, चले नेक्स्ट। राजा मैं जीत चुका हूँ भाई दबे, अच्छा चले नेक्स्ट। अच्छा वो करनी है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, एक पहली है वो बहुत, वो आपको भी नहीं आती होगी, मुझे ना आती हो, मैं फिर भी जीता हूँ लिहाजा, आखिरी जीते में तो तब भी आपको मिलेगी। चले जी आखिरी का वेट करते हैं, ये सोचता है इतनी देर में हम लोग बात करते हैं, तो आप लोगों ने कमेंट्स करके जरूर बताना है कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी है, आप पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर भी है तो आप किस जगह पे, आप लोगों ने ईद कैसी स्पेंड की है, आपकी फैमिली मेंबर कैसे रहे हैं, आप सब ठीक ठाक रहे, और आप लोगों को ईदी कितनी कितनी मिली है, और ईदी आप लोगों को जो मिली है वो आप लोगों ने स्पेंड की भी है, यानी इन लोगों को जितनी ईदी मिली थी वो सब के सब इन लोगों ने स्पेंड कर दी है, बल्कि इसने नहीं की, मोहम्मद अली ने, मोहम्मद हसन ने, उन्होंने स्पेंड कर दी, लेकिन इसने अभी तक सेव रखी हुई है ईदी। लेकिन ये है कि ईदी आप लोगों को स्पेंड करनी चाहिए, जाएं वीकेंड पे जाएं घूमे फिरे, लेकिन अभी मेरा इनके साथ वादा है कि नेक्स्ट वीकेंड पे हम लोगों ने कहीं जाना है आउट, क्योंकि इस वक्त तो बारिश भी थी, रश भी बहुत ज्यादा था ईद की वजह से, तो मैं फैमिली को लेकर कहीं बाहर नहीं निकला, लेकिन इनको मैं लेकर इंशाल्लाह निकलूंगा नेक्स्ट सैटरडे संडे को इंशाल्लाह, फिर वहां पे भी हम व्लॉग करेंगे, आपको बताएंगे कि हमने वहां कैसे मजे किए हैं, क्या क्या गपशप लगाई है, वो सारी चीजें आपके साथ रखेंगे। वो कौन सा जानवर है जो जिसकी लंबी लंबी वो दाढ़ी है और बाल है? लंबी लंबी दाढ़ी है वो, एक तो तुम जानवर हो। नहीं मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ लंबी लंबी दाढ़ी, देखिए जी ये शेर की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सही, ये होगी है घड़ी मेरी। आज देखिए मेरे वाच जीती है, और ये वाच जीतने का मुझे इतना मजा आया, इतना मजा आया कि ये मैं पहन भी लूं कि ऐसा ना हो कि ये मुझसे ले ही ना ले। तो आप बातें करें इनसे, आप इनसे बातें करें, आपको हार के कैसा लगा है? बुरा, बहुत बुरा। आप बातें करें, उधर बातें करें, इसको छोड़े ये नहीं मिलेगी, ये तो मैं भेज के भाई टॉफी खाऊंगा, चॉकलेट खाऊंगा, मैं तो दूसरी लूंगा, बेशक ले लूंगा। अच्छा चलो उधर बातें करें आगे, तो फिर उसका नाम क्या है? उसका नाम किसका नाम पूछे जरा, अरे एक और पहेली पूछूंगा, मैंने कहा पांच 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 का काटा, मैंने वैसे पांच का काटा इनसे, बस नहीं ये इसने मेरे से चीटिंग की है, और ये क्या पहेली है कि मैंने उनमें से कहा था चार आप आ जाएंगे, अगर चार है, मैंने अभी टोटल पांच बोली है बाबा, उसमें से चार जीते हैं, अभी छह नहीं आखिरी है, जब तक बाबा आप इनसे बात करें 2 मिनट में। तो आप लोगों ने सारा कुछ कमेंट करके हमें जरूर बताना, अगर आप लोग नए हैं हमारे इस चैनल के ऊपर तो प्लीज आप लोगों ने सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इंशाल्लाह हम दोनों आपके लिए मजे मजे के व्लॉग्स बनाते रहेंगे। और ये आज ये मौसम कुछ ऐसा था, हमने कहा चले इंडोर बैठकर, वो कौन सा ऐसा जानवर है जिसके वो पंख मोटे मोटे हैं पर बाल है उसके पास? यार ये एलिफेंट की बात कर रहे हैं, एलिफेंट की भी नहीं है, और ये नहीं मैं रीछ की बात कर रहा हूँ, रीछ के लंबे लंबे ऊपर से बाल हैं और नीचे पंख, रीछ के तो बाल नहीं भी होते। अच्छा इसी के साथ इनसे इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज बोले, और चाहते कोई मैसेज इनको दे, कल वाला नहीं कोई और मैसेज देने, आप मैसेज दे। अच्छा जी जा रहे हैं, खुश रहे, मेरे मोहम्मद सैन की तरफ से आप लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं, अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने बच्चों के साथ खुश रहे, लेकिन बच्चों के लिए ये पैगाम है, मैसेज है मोहम्मद हुसैन की तरफ से कि आप लोग पढ़े और पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, और उसके साथ साथ आपने इस्लामी काम जरूर करना है, कुरान मजीद को जरूर पढ़ना है, आपने नमाजें जरूर पढ़नी है, अल्लाह को जरूर याद रखना है, और उसके साथ साथ अपने अल्लाह को आदर नाजर जानते हुए, अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगी है तो आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन को प्रेस। अल्लाह हाफिज, बाय 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 बाय।